थे अरहान सैयद करीम साहब, जो उनके साथ जो वाकयात हुए इलेक्शन के दिन वो तमाम आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं उनकी तारीफ करता हूँ, यकीन वो मसरूफ रहे मगर उनकी आवाज़ सदा बरकरार हो गई। आइए सर मोहतरम बनाई खुदाई के साथ खिताब खुदाई करूँगा कि वो हमें सदा के खिताब से नवाएँ नवाजें। जो बंद गाने खुदा नाम पर खुदा के चले, जो बंद गाने खुदा नाम पर खुदा के चले, वो रातों नील में भी रास्ता बना के चले, वो रातों नील में भी रास्ता बना के चले। मैं मौत के बाना गुजारिश करूँगा सर मोहतरम से कि वो हमें बता के खिताब से नवाएँ। बुजुर्गों, नौजवानों, जो दिन तक उनके दावी हटाए जाए, मैं तहरीक के दफ्तर में बैठा रहा। नताई जाने के बाद जज्बात में आकर मगलूब होकर आंख में आंसू लाए और गले लपट कर रोते रहे और फिर एकदम ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कुछ उन्होंने कोई कुतूर कर दिया है, कोई खता कर दी है, कोई जुर्म कर दिया है। मैं बैठा हूँ, फिर मैंने उन सबको बताया कि जिस तरीके से फरत था अपने इलेक्शन के तकारीफ में कहा करते थे, ये इलेक्शन ये सिलेक्शन सियावर के लिए है, ये मेरे लिए जहाब है। हमने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं किया, किसी की जेब नहीं कपी, ना किसी की जमीन पे कब्जा किया, ना किसी की इज्जत लूटी, ना किसी का ना हक कत्ल किया। हमने और मजलूमों की आवाज को बुलंद किया। तहरीक के मकासिद से वाबस्ता हूं सलमान, मफादात से नहीं। जो लोग मकासिद से वाबस्ता हैं वो हर साल में लड़ना जानते हैं, लेकिन जो मफादात से वाबस्ता हैं, जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत जगह बना चुकी है, वो हर एक से डरते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को पैदा किया और अच्छे लोगों को भी बहुत पैदा किया, जो बुराई से नफरत करते रहे, बदी से नफरत करते रहे, लेकिन बदी का मुकाबला नहीं किया। जो बदी का मुकाबला किया वो सच्चे सरकार के गुलाम थे। क्या मेरी बात को गौर करो, जो बदी का मुकाबला किया वो सच्चे सरकार के गुलाम है। मेरे आका दो जान ये कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बुराइयों का मुकाबला नहीं करते, अपनी सदा का बुलंद नहीं करते, तो आज इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता। पहुंचता था, आप घर से निकल रहे हैं, कच्चे का टोकरे के टोकरे डाले जा रहे हैं आपके ऊपर, आपके गिरेबान पे हाथ डाल के आपके चेहरे को पीटा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है। कभी अरब शहीद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मेरे आका जाते हैं तो गुब्बारा है, फराइज है, मंडली बनाए खड़े रहे वहां पर, आने नहीं दे रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे ऐसे रोमान डालकर जो है ना आपके गले को खींच भी दिया, सांस रुकी थी उससे, कैसे कैसे दौर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूटे। आज छोटे छोटे मामले में पटाखे फोड़ रहे हैं वो लोग जीत के, हमारे को गाली गलौज कर रहे हैं आते जाते, हमारे घर के सामने पटाखे फोड़ रहे हैं, इतने को दादा अरे मुस्कुरा के निकलो वहां से, हम मुकामा से जब बोलो मुकाबले के लिए आएंगे तुम्हारे हाथ ये बात से हाथ आएंगे तो कि कलाई मोड़ने की ताकत में जाकर मुसलमानों जब सही मिल जाएगी। ये नहीं वो फला साहेब आए डर के गली में से पतली गली से चला, इलेक्शन के लिए क्या हो रहा था, टेलीफोन आ रहा आई वो भूते पूरे हमारे वाले भूते जो ना भोगती कर रहे। मैं बोला तुम क्या कर रहे हो वहां पर, तुम भी करो। मैं मेरे साथ लोग ही नहीं है, मैं क्या करूं।
ये खाली थी हमारे पास, हमको कैडर डेवलप करना है, बूथ वाइज कैडर बनाना है। ने कहा कि इब्तदायों की तस्की दो, ये इब्तदायों के लिए रुकनियत शादी के लिए जब से मैं सदर बना और तहरीक बनी उस पीरियड से बम मारते आ रहा हूँ। अदरा रुकन बनो, अपने महल्ले में 10-20 लोगों को तहरीक का रुकन बनाओ, बूथ वाइज कमेटी तश्कील दो, बूथ वाइज इब्तदाई तश्कील दो। एक बूथ पे कितने हजार वोटर रहते हैं? 800 से 1200 वोटर रहते हैं। इतने घर में रहते हैं, 100 घर में रहते हो, 100 घर में से 25 आदमी का जो है ना एक टीम तैयार करो, ताकि आने वाले इलेक्शन हम जलसे करने में कामयाब, फाइनल दौरे करने में कामयाब। दहली के खाई किसी गली से गुजरे तो भाई जिंदाबाद के नारे। होली के दिन क्या तैयारी करे आप? होली के दिन फिर हो ना उन्हों क्या करे, होली के दिन से तैयारी करो। उनका 25-25, 50-50 आदमी का टोला हर रूप में खड़ा था। हमारे काम थे इधर से दूसरा मोटा आ गया, भूख चल रहा भाई, किसी को चले गया ये बोले ना कि कैसा उम्मीद करते जीतने की। अरे भूखा कर दी वो करे तो हम भी वोटा चलेंगे, क्योंकि कुरान सिखाता है मोहम्मद एहसाना इल्ला एहसाना। आज मकर वाली मकर की पॉलिसी हमको अख्तियार करना पड़ेगा। क्या भाई साहब हम तबरीना करके बोले जाने इंतजामिया का फतवा है, जो औरतें अपने शौहरों के नाम को तब्दील करके वोट डालती है वो हराम है, जो नौजवान अपने बाप के नाम को वोट तब्दील करके वोट डालते वो हराम है। हदीस शरीफ सुना है हम, ये किसी की दुनिया बनाने के लिए अपने दीन को गारत मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। सुना मुसलमान, अरे गुर्बत और इफलास इंसान को कुफर की तरफ मायल कर रही, जब उन्हें अल्लाह से जंग कर रहा है तो हमारी बात का समझेगा। इसके लिए तहरीर के कारकुन को पहले हमारे सारे अख्तियार करना पड़ेगा। ये नमाजें पढ़ के दुआ करा, बहुत वजीफे पढ़ा, दुआएं करा, मगर फिर भी तहरीर कामयाब नहीं होगी। ऐसा नहीं, असल से भी काम करना है। अल्लाह ताला जितनी मुकद्दर में दौलत देता है लेकिन फैसला बंदे पे छोड़ दिया कि तुम शराब बेच के लिए कमाओगे या कुरान लिख के कमाओगे, हलाल के जरिए से कमाओगे या हराम के जरिए। बंदे पे फैसला छोड़ा ना कि तुम काम नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा। बोला मैं कैंडिडेट पोलिंग के लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ करता कैडर करता है वो, जिसका कैडर ताकतवर है उसका उम्मीदवार कामयाब है। हमारा कैडर कमजोर था, हमारा कैडर पूरी नहीं करवा सका। अब बातें बोलो आप मशीन मशीन ये वो सोच सकते रहेगा, होगा उसमें गड़बड़ी होती होंगी वो और बात है, लेकिन हम हमारी जमा पहना ही क्या पूरी के लिए। आज ये नारे मार रहे हैं आपको बैठ के, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उसको हमारी जमा पहना। अगर आप में सही सच्ची मोहब्बत है, तहरीक के मकासिद से वाबस्ता है, आज ही अदद करके उनको तुम्हारा वोट जिस इलाके में है उस इलाके में 25 आदमी की टीम की जो है ना मेंबरशिप करो और लेके आके हमारे साथ बुलाओ, हमको बिठाओ, हम जो है ना एक ग्रुप मीटिंग का एहतमाम करो और समाज के गुफ्तगू करें। 25-25 मेंबर कम से कम जो है ना एक इब्तदाई के लिए जो है 25 मेंबर रुकन बना बनाएंगे आपको। ऐसा बहुत सारी आवाज नारा मार देते हैं भाई जिंदाबाद बोलिए। अरे अमल अमल करो, ये नहीं भाई मैं कोशिश कर रहा मेंबर बनाने की, अरे 2 रुपए का मेंबर बनाओ। फिर हर पार्टी फंड रेज करती है, आप लोग कम से कम जो है हर महाना 100 रुपए तहरीक को जो अपनी जिम्मेदारी समझ के जो पान डब्बे में सिगरेट ना पी के खाना खा के छूट के रोजाना 50-200 रुपए खर्च करते हैं, 100 रुपए जो हम क्या करना चाहेंगे वो 100 रुपए से ये तहरीक का काम करेंगे। दुनिया शादी करो, हर मेंबर बनाना 100 रुपए का मेंबर बनो, ऐसे 10,000 मेंबर बनाओ, उसके बाद तहरीक को इलेक्शन लड़ने के लिए किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इलेक्शन जीता सकते हैं। नहीं अरे जाओ भाई वहां तो पैसे पूछे आ रहे हैं, पैसे मिलते वहां पर
अरे वही पैसे दिलाने के लिए तो तहरीक चलाई जा रही है, अरे तुम्हारे हुकूक दिलवाने के लिए कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, जब जब होता है खुदा के अलावा तो शिर्क में मुब्तला हो रहे हो। एक शिर्क वो है जो शिर्क के जरिए है, जहाँ खुली बुत परस्ती होती है उसको शिर्क के जरिए। एक शिर्क मेरे कारोबार नाते कर देंगे, मेरी लॉजिस्टिक खोल देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मेरे जो है ना परेशान कर देंगे, मेरे कोई आज जीने नहीं देंगे, इसके खिलाफ में इतना डर दुनिया का कि चोरों से डरना, हराम खोरों से डरना, अल्लाह नाराज हो जाएगा तो क्यों ऐसा डरेंगे। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह से डरा करो तब कहीं जाके इंकलाब बर्पा करेंगे। और वायदों की मंजिल से गुजरेंगे तो आजादी की मंजिल होगी। नहीं थोड़ा सा झगड़ा हो गया, बच्चे को तहरीक के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, 500 टेलीफोन आ गए, इसको आ गए तहरीक के फायदे, आए पकड़ लिए गए, बोर्ड टेलीफोन खोली, अम्मा का टेलीफोन, बाबा का टेलीफोन, भाई का टेलीफोन, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अब हम जा रहा हाथ में 2 बजे जाके जो है ना उनको निकाल रहे। अरे थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करो, सबके लिए लड़ रहे, अरे जब कुर्बानियां नहीं देते तो आजादी कहां से मिली। हम तो सदाए हम फलन करते आ रहे आपके साथ, ये ना समझना अपने तकरीरों में भी बोला, जब तक सांस रहेगी अगर बूढ़ा भी हो जाओ कमर झुक जाएगी तो लकड़ी लेके भी नहीं रहा था हवा करूंगा। ये ना समझना ये 80,000 रुपए ले लिए 60,000 से कामयाबी होगी, तो कहीं 66,000 रुपए ले लिए 30,000 से कामयाबी होगी। हमारे ये मुसलमानों का कसूर नहीं है, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गुंडागर्दी हो रही है, माफिया लूट चल रहा है, पैसा बांटा जा रहा है और इदारों को खरीदा जा रहा है, पुलिस के जो है मैनेज कर रहा है। हम जा रहे बूथ पे टेलीफोन आ रहा, तो भाई बूढ़े लोग आए हुए हैं कि बूढ़े बूढ़े घुसे ऐसा, मैं जा रहा हूँ पूरे भाग जा रहा, पुलिस वाले नहीं है वहां पर, मैं आया हूँ टेलीफोन से कि वो एसआई को ड्यूटी पे उन्हें भी आ रहा, वो जवान भी आ गए आकर हमारे सामने खड़ा है। क्या है साहब क्या है, पूरी मोहब्बत नहीं हो रही है, फोर्स नहीं है साहब, बुला रहा हूँ फोर्स, ऐसा तो चला मना रहा है चला रहे हैं हर रूप से जो रुका रहे तो उनको जो है उनको आवाज गालियाँ देती, उनको आवाज फुटकार दी, उनको कामना नहीं है उस बात का, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है। होली के दिन ये बूथ पे इतने 1,000 वोट लेना है, ये डिवीजन में इतने 1,000 वोट होना है, और उनके कायदे पैसे लेके हर बूथ के ऊपर एक ऑर्गेनाइजर में औरतों को लाते, बच्चों को लाते, नौजवानों को लाते, बुद्धों को लाते, वोट लगाए हम लगाए। हम ये भरोसा करें कि आवाम तब्दीली चाह रही है, आवाम इंकलाब चाह रही है, आवाम इनको गाली दे रही है, आवाम जो है ना तब्दील के मकसद को जो है ना जान रही है और तरक्की चाहती है आवाम, तो हमने आवाम में भरोसा किया और आवाम इतनी निकली 10-15% निकल के जा गया इनाए वोट सही बुलाए, लेकिन उन्होंने रिजिंग करे लोगों को ला के वोट लगाए, यहाँ से जीतते इलेक्शन जीत के लिए ऑर्गेनाइज होना है, बूथ लेवल कमेटी बनना है, इंतजार की तश्कील होना है, रुकनिया शादी का काम करो कल से कम जो है ना हैदराबाद शहर के अंदर 10,00,000 जो है ना कार्डपुर बनाओ, रुकुन बनाओ, नहीं के अब जो है कैसा इनका पैसा काम करता, कैसा वोट इलेक्शन जीते वो पता है। अरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ आम आदमी पार्टी के हैदराबाद के अंदर कितने रुकुन बन गए, हम भी तो आम आदमी थे ना, हमने आम आदमी के लिए जब लड़ रहे ना, आम आदमी के हुकूक के लिए जब लड़ रहे ना, तो फिर जो है ना रुकने शादी करने के लिए हम दूसरों को ही कर रहे भाई, रुकने शादी का इजलास बुलाया तो हमारे जो हमेशा तहरीक के स्टेजों पे आते, प्लेटफॉर्मों पे आते, खाना पकाया, दावत रखा और उसके बाद इजलास बुलाया, तो रुकने शादी की किताबें कितने लेके गए और जितने लेके गए कितने आके जो है इब्तदाई की मीटिंग तशरीह करे। यही वजह होती है इलेक्शन के दिन रुकन जो है ना जिम्मेदारी के साथ बोले कहा था रुकने शादी का काम करिए, रुकने शादी की किताबें रखनी है सबके है, लेकिन जो है ना काम करने के लिए चाहिए नारेबाजी से काम, अक्सर से काम करो, वरना हर एक जज्बात के अंदर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर जो है ना कोई नतीजे हासिल नहीं होंगे। ये कहना पड़ेगा मुसलमानों से हार दूर की होश की, होश जब आया तो दीवाना होने वाली बात। आज डॉक्टर हालात है जैसा कि कहा गया, नवंबर के अंदर जो है ना बड़ा नींद से आवाज है बदला आ गया।
है तो या तो पूरे के साथ कार्पोरेटर डिवीजन से सही के कार्पोरेटर को जिता के दिखाओ, जिता के दिखाएंगे तुम बोले तो नहीं होता, जोर से बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जब हमारा ये चैलेंज कुछ 5 महीने के अंदर बता दो कि बाकी आज यहाँ जितने बैठे हुए हैं ये सब तहरीर से वापस आए और गेड़ी छोटी का तो प्रकार के काम करके तहरीर के कार्पोरेटर भी यहाँ तो पूरा 15 मिनट में हम जिता के दिखाएंगे। अब ऐसा दिख रहा है इलेक्शन के जनसभा में भाई तहरीर को वोट डालेंगे तो दो हाथ उठाए, लेकिन जाके लेके तो आज 6-5-7-8-9-10-11 ऐसा तो नहीं होगा ना। ये दूसरा इजलास इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर फिर आपके दरमियान में आऊंगा, मैं आपको तकलीफ दूंगा, दुनिया शादी की किताबें लेके जाइए और हर हफ्ते में जो है ना भारत में रहिए, अपनी बच्चियों के अंदर प्रोग्राम कराइए, हर हफ्ते में 15 दिन में एक इजलास लाइए अपनी बच्चियों में हमको बुलाइए। ये नहीं इलेक्शन खत्म हो गया हम इधर से उधर, फिर 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आ रहा तो दुनिया दही का झंडा लेके निकल रहे, हिंदू भी आ रहे, भोगल भी चले आ रहे। आप अपने हाइजीन से जुड़े हुए रहिए, हाइजीन को अपने टच में रखिए, दही की जो है ना वर्कर जो है 5 साल में नहीं बहुत मुलाकात करिए। अब मेरा तो बैठ गई, हम पूछ लेंगे आप तमाम यहाँ टेलीफोन नंबर लिखा के जाइए, अपने एड्रेस लिखा के जाइए, आप बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ से आपसे बात करेंगे हमारा वर्कर कैसा है, करिए तो उसमें हम जानकारी करने के लिए आपके टेलीफोन नंबर पूछ रहे हैं, आपका एड्रेस पूछ रहे हैं, जिला देने के लिए टेलीफोन नंबर पूछ रहे हैं, वो लिखा के जाइए। अगर कोई शख्स नहीं लिखाया तो अपने टेलीफोन नंबर अपना नाम लिखाइए, तस्वीर तौर पर हमको काम करने की जरूरत है। ये नहीं आंखों में आंसू बता है, बहाने से काम नहीं चलेगा, वही बेगम अख्तर की गजल याद आती है, हीरो मिलते नहीं बदल से नसीब वाली बात होती है, मुजाहिद रोया नहीं करते मुजाहिद आंसू नहीं बहाते, मुजाहिद के खुशी के आंसू बहते हैं, हम के नहीं बहते मुजाहिदीन के आंसू है। उसके लिए हमको जो है ना कुछ शर्मिंदा या कुछ जो है ना किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमको अजम करके उठना पड़ेगा, फिर हमको हालात को तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात के इतबार से तब्दील होते हैं, लेकिन मुजाहिदीन हालात को तब्दील करते हैं, हालात के साथ तब्दील नहीं होते। उसी तरीके से उठो अगर ना असर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो जमाना चाल कयामत निकल गया है, बातें हम चीज चीज के कहते रहे हैं। आज वाकई आप लोग जो है ना तहरीर से वाबस्ता होना चाहते हैं, हो सकता है जैसा कि कहा गया कुछ मुनाफिकीन भी होंगे इन महफिल के अंदर, जैसा कि कहा गया कि जो है हम अपनी करने के लिए आते हैं, जैसा कि कहा गया कि यहाँ से भी जो है ना स्टेज पे बैठे वहां जाके सलामा करते टिप्पणी देने वाले, तो इस तरीके से जो है ना हर दौर में मुनाफिकीन रहे मोमिन रहे, इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरे फरमान को नाज़िल किया, सूरे मोमिनों को नाज़िल किया, सूरे मुनाफिकों को भी नाज़िल किया, इसलिए नाज़िल किया। अब आने रट लगी रहती है मुसलमान मुस्तहिद होना, मुसलमान में इत्तेहाद होना, इसलिए तो अल्लाह ने मोमिनीन से मोमिनीन के इत्तेहाद के लिए जो है ना कहा गया है, ये मुनाफिकीन और मोमिनीन के इत्तेहाद के लिए नहीं कहा गया। और करो मुसलमान इत्तेहाद की तरफ देने वाले मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, जैसा कि अब कल बीजेपी इख्तदार में आ गई, मोदी हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा, दोस्तों आरएसएस के एजेंडे को जो है ना अमल आवरी करने के लिए उसको मजबूर किया जाएगा, बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बनाकर वहां राम मंदिर स्थापित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो क्या ऐसी ताकत है पार्लियामेंट में जो आवाज लगा के जो है ना मोदी के खिलाफ में आवाज उठा के वहां पर राम मंदिर की तामीर को रोकने की ताकत रख सकती है? नहीं, ये लोग मखमल के बिस्तर पे सोने वाले, मखमल पे चलने वाले, मौत खाए तो दांत खुलने की इनकी कैफियत ऐसी है, ये क्या मुकाबला करेंगे मोदी से? अरे मुकाबला तुम्हें नहीं के किया जा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह मौका देगा और आप हमको भी आज हम आजमाइश के दौर से गुजरे हैं, हम यह इकराम आजमाइश के दौर से गुजरे हैं और वो उड़ी उड़ा के मुसलमानों को तारीफ पाएंगे तो पता चलेगा कि जो लोग इस्लाम कबूल करते थे चावल अगर डाल दिया जाए पानी में रखकर तो जो है ना उबल कर जो है ना खाना पक जाता, ऐसी रेत के ऊपर गली में
रस्सी डालकर एक रास्ते से जो है ना खींच कर दूसरे रास्ते तक ले जाते थे, फिर सीने में रखकर खड़े हो जाते थे। अल्लाह खफा रजी अल्लाह तआला के लिए जो है ना आग तैयार करके उनको आग में बिठाया जाता था, और करवट नहीं बदलने के लिए उनके सीने में पैर रख कर जो है ना लोग वहां पर कुफार है कुरैश खड़े रहते थे, फिर भी उनकी जबान से आहत आहत निकलता था। इसी तरीके से अल्लाह ने सोहेल रूमी को मार मार के इतना मारा कि आप जमीन तवाजुन हो गए, और जहां मक्के की सरजमीन से निकलकर सरकार की मोहब्बत में मदीना जा रहे थे तो कुफारा कुरैश ने सब सकी कि जितना तुम्हारे पास माल है वो पूरा छोड़ के जाने देंगे, तो जो है हम तुमको यहाँ से इजाजत देंगे जाने की। सरकार की मोहब्बत में सारा माल कुर्बान कर दिया और सलाम से तकबीर देना के लिए सरकार की मोहब्बत में मदीने को चले गए। मुसलमानों, इसीलिए उस जमाने के मुसलमान तो आज के दौर के मुसलमानों से कई लाख दर्जे बेहतर हुआ करते थे, लेकिन तकलीफ इतनी पहुंचती थी उस जमाने के मुसलमानों को कि जो है आखिर में उनको फैदोबंद के हर वे इस्तेमाल के लिए उनकी रोजी तंग कर दी गई, उनकी रोटी जो है महरूम कर दिया गया, उनको फैद खाना में बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो है उनकी जबान से अल्लाह के ये अल्लाह तेरी कब मदद चाहिए हाल को की। अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर सूरह अल-कबूत को नाज़िल फरमाया और ऐलान किया सूरह अल-कबूत में अलिफ लाम मीम हसीबन नास वायत तुकायम बोलो आमना वहुम ला युसनून वलकद फतना الذين من قبلهم ولا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الله الكاذبين। आप ऐसा बैठे हैं, मैंने आयत पढ़ी सूरह अल-कबूत की, अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह अल-कबूत में, जो लोग ये ऐलान कर रहे हैं चीख रहे हैं अल्लाह तेरी मदद कब शामिल है हाल होगी, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करके चीख उठा इंसानी फितरत की पूरी, तो कल के मुसलमान आज के मुसलमान से कई लाख बच्चे बेहतर हुआ करते थे। आज जरी सी तकलीफ हुई उन्हें घूर के देखा तो आज किसी ने फैट नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कहीं के दिया है घूर के देखो क्या ऐसा बोलो जो उन्हें अंधा हो जाए ऐसा निकालना। आप अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है सूरह अल-कबूत में, जो है लोगो जो अल्लाह की मदद के तलबगार हो, क्या तुम ये समझते हो कि सिर्फ जबान से तुम कलमे का इकरार कर लिए और तुम दाए ईमान में लाकर हो गए तुम मोमिन हो जाए, नहीं अल्लाह ताला फरमा रहा है उन सब को आजमाना है, खरा कौन है खोटा कौन है वो कसौटी में कसके देखना चाहता है अल्लाह। अगर वाकई अल्लाह की जात से तुम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के इस बात का जिज्ञासा कर इकरार करते हो तो फिर तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, सारे मामला तो अल्लाह के सुपुर्द करवाओ, अल्लाह तुम्हारी इबादत फरमाए, नहीं फला पहलवान फला लीडर फला सरमायदार कि तुम जो है ना करेंगे तो अल्लाह जिम्मा हो जाएगा और तुम दुनिया में शरीक होते रहेंगे। आज तहरीर के पास इख्तदार भी नहीं है, एक दिन वाले ने देखा होगा कि किस तरीके से जो मजलिस के कायदी जो मुंतखब हुए तहरीर का एक सियारा देख लेते हैं तो कितने किलोमीटर भागते हैं वो भी दुनिया ने देखा। मैं अकेला फिरता हूँ और अपना अकेले फिरते हैं, कोई जो साधो सामान अपनी जान की दिफा का सामान नहीं लेके फिरते, 8 गनमैन 10 गनमैन या तमाशा है, अरे मौत को सीने से लगा के फिरो, ये आरजी दुनिया है। मेरे आका ने फरमाया दुनिया के तालुक से सहाबा इकराम के साथ गुजर रहे थे, एक बकरी का बच्चा मरा हुआ देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम से पूछा वो एक दिरहम के दिवस में इस बकरी के बच्चे को खरीदता है क्या, खरीदना चाहता है। सहाबा इकराम ने बोला या रसूलुल्लाह ये तो मुर्दार है कोई भी क्यों खरीदेगा, ये तो बदबू आएगी, क्या आएगी बदबू आएगी। मेरे आका ने फरमाया दुनिया इसी का नाम है, क्या फरमाया दुनिया इसी का नाम है जो मरे बकरी के बच्चे की मान बोला, दुनिया के बीच से मत करो, दुनिया की मोहब्बत आ गई तो दुनिया का खौफ जाहिर हो गया, अल्लाह आखिरत की तसव्वुर से जिंदगी गुजारो तो सिवाय अल्लाह के खौफ किसी का खौफ नहीं। आओ यार तुम मत भाओ, दुश्मन को खुश मत करो, हमारे मंत्रों से भी गुजारिश है जिन्हें आंसू बहा के मायूस रहना लेके मत रहो, अंदना से रहो आराम से, और जमहूरियत की भारी के लिए हमको जिद्दोजहद करना पड़े, बातें और भी होती रहेगी,
सिर्फ आज के लिए भी दोस्तों मैं समझता हूँ आपके लिए दर्द भी है और आप अपने अमाल को सुधारो, जान बूझ के नमाजों को मत छोड़ा करो, नमाजों की पाबंदी क्या करो, और अल्लाह ताला जो है जो जान बूझ के नमाज छोड़ते हैं उनकी मदद नहीं करता। याद रखो हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं और यह मत समझो कि जो हमने की दुआएं की अल्लाह हमारे लिए तब्दील नहीं था, ऐसा ये कहना दुख है। याद रखो मायूसी जैसा कुफ्र कहा गया, मायूस मत हो अल्लाह की जात से उम्मीद रहो इंशाअल्लाह कल के दिन जो है हम कामयाब नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें चंद्रा की उसे से लड़ी वो कामयाब हो जाएगी, आने वाली नस्लें कामयाब होगी बराबर दारुस्सलाम के ऊपर जो हम चाहते हैं जिसके लिए तहरीक कायम की गई। दारुस्सलाम से हमारा मकसद है ऐसी क्यालत को कायम करना चाहते हैं जो तौहीद के अमरदार, जो तौहीद के अमरदार हो, जो सरकार की जानदार हो, जो सारे रसूल की फर्जदार हो, जो किरदार का साथी हो, जो सारा की जिंदगी का नमूना हो, ऐसी क्यालत को मजे से चार मुस्लिम के प्लेटफॉर्म पर कायम कर पड़ता है। हम क्या सदर बनना, हम क्या है दिल्ले बनना, अरे बाप देखने के लिए इंतजार को जो है अभी मोहतरम बहुत देर से आप लोग क्या कहते हैं, मैं जो हजरात हैदराबाद में तमाम असेंबली हल्कों से तहरीक से जो है ना उम्मीदवारों की तारीफ किया, ग्रुपों में उनके साथ जो है ना पदयात्रा की, रातों में दफ्तरों को आरक्षा किया, इसको जो है किया, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ। तहरीक के सदर की हैसियत से नहीं बोल सकता उनके एहसानात में, और बगैर इंतजार के भी अगर कुछ मैं कर सकता हूँ उनके एहसानात चुकाने के लिए, मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पूरी करेगा उनके एहसानात को चुकाएंगे। और उस तरीके से ये मत समझो कि तहरीक इंतजार में ही हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते, आओ जूता हाथ में लेकर और अल्लाह के सर पे मार के हम आपके मसाइल को हल कराएंगे। अभी बात की है कि आप मुनज्जम रहे, आप मुस्तैद रहे, इब्तदाय की तशकील दे, इलाकों में 10 आदमी से ही इब्तदाई हम कायम करेंगे। ये देखो हालात कारपोरेशन में तब्दील होंगे और इंशाअल्लाह शहर हैदराबाद की फौलादिया के ऊपर तहरीक समझा रहेगी, वो इसलिए करेगी आपके अजाइम बुलंद होंगे, आपके अजाइम और हौसले बुलंद होंगे और आप हमारी जगह पर रहेंगे, यकीन आने वाला हालात के अंदर कारपोरेटर में आपके होंगे इलाजिंदा होगा। Salud, ¿qué tal? 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 ¿Qué